हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है कॉग्निशन लर्निंग सेंटर फॉर ऑल। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ वो टॉपिक है आर्मेचर वाइंडिंग। जैसा आप देख सकते हैं छोटी टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले देखते हैं डिवीज़न इसका। आर्मेचर वाइंडिंग बेसिकली दो 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 भाग में डिवाइडेड है। पहला है वेव वाइंडिंग, सेकेंड इज़ लैप वाइंडिंग। ठीक है, पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हम लोग बात किस चीज़ की कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन अगर आप लोग को याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये पूरा कंस्ट्रक्शन है। ये है आपका आर्मेचर का पार्ट, जिसमें ये जो सिल्वर कलर का है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिल्वर कलर का जो है वो है आर्मेचर कोर। ठीक है, और आर्मेचर वाइंडिंग ये आप ब्राउन कलर का जो यहाँ देख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये जो ब्राउन कलर का है ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग। इसी आर्मेचर वाइंडिंग को करने का दो अलग अलग तरीका है, जो कि है वेव और लैप वाइंडिंग। आज हम लोग उसी दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है वेव वाइंडिंग। तो इसका डेफिनेशन वाइज पहले देख लेते हैं। काफ़ी सारे डेफिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसके डायग्राम से भी काफ़ी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग, समझ में नहीं आता। लेकिन सिंपलेस्ट जो है मेरे हिसाब से वो मैं आप लोग को बताता हूँ। वेव वाइंडिंग जो है, इट डिवाइड्स द आर्मेचर कंडक्टर इंटू टू इलेक्ट्रिकल पैरेलल पाथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्रशेस। ठीक है, मतलब समझने की अगर सिंपल समझे तो ये एक सिंपल कंडक्टर को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे देखने लायक था, सॉरी, वो ये था कि डजेंट मैटर व्हाट द नंबर ऑफ पोल्स आर। मतलब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, यही बेसिक डिफरेंस होता है वेव और लैप वाइंडिंग में। ठीक है, आगे मैं और अच्छे से बताऊँगा, फिलहाल बस इस चीज़ को देख लेते हैं। मतलब ये जो होता है वो नंबर ऑफ पोल्स पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे इस डायग्राम की मैं बात कर रहा था, इस डायग्राम में आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव और निगेटिव है ये ब्रशेज हैं। जैसे आप लोगों को अगर कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आर्मेचर से हम लोग कम्यूटेटर के पास करंट जाता था, और वो कम्यूटेटर जो करंट था वो आपको सप्लाई करता था ब्रशेस को। ठीक है, तो ये वही ब्रशेस है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं करंट आई ए करंट जा रहा है, जो कि डिवाइड हो जा रहा है आई ए अपॉन टू और आई ए अपॉन टू को, और जो इसका रेजिस्टेंस है या फिर आप कंडक्टर बोल सकते हैं वो भी डिवाइड हो रहा है जेड अपॉन टू और जेड अपॉन टू में। मतलब सेम एक ही वायर है, उस वायर को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिससे उसके रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसके नंबर ऑफ कंडक्टर्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, और करंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो करंट यहाँ जा रहा था वही करंट आप यहाँ देख सकते हैं, आउटपुट में भी हम लोग को उतना ही करंट मिल रहा है। आइए, ओके, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ भी है। एज द आर्मेचर करंट एंटर्स द नेगेटिव ब्रश, इट फाइंड्स टू पैरेलल पाथ ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस। इक्वल रेजिस्टेंस है क्योंकि एक ही वायर है, उसको दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। ओके, द टू पैरेलल पाथ कंसिस्ट ऑफ जेड अपॉन टू कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं जेड अपॉन टू कंडक्टर है। ओके, आगे है ए डिवाइड द करंट आई ए अपॉन टू, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आई ए अपॉन टू में डिवाइड हुआ है, लेकिन फाइनल जो करंट है वो आई ए ही है। मतलब करंट सिर्फ डिवाइड हुआ है, कुछ ड्रॉप नहीं हुआ है। ओके, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ जेड पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जेड क्या है। जेड है असल में टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, कितने नंबर ऑफ कंडक्टर इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था वेव वाइंडिंग जो भी होता है वो नंबर ऑफ कंडक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे है लैप वाइंडिंग। ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं, फिर लास्ट में देखेंगे कि डिफरेंस असल में था क्या। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे वेव वाइंडिंग में था कि वो किसी भी कंडक्टर को दो पार्ट में ही डिवाइड करता है, यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ क्या है, ये जो कंडक्टर है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ पोल्स पे। मतलब उस जनरेटर का जितना नंबर ऑफ पोल्स होगा ब्रशेज को उतना ही पैरेलल पाथ्स मिलेगा। ठीक है, ये वेव वाइंडिंग में नहीं था, वेव वाइंडिंग में सिर्फ दो था, वो डिफिनेट, वो फिक्स था, यहाँ वो चीज़ चेंज है। ओके, जैसा आप देख सकते हैं द आर्मेचर कंडक्टर इज डिवाइडेड इंटू एज मेनी पैरेलल पाथ्स एज द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द जनरेटर। मतलब उसमें जितना नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतने ही पैरेलल पाथ्स मिलेगा करंट को। ओके, जैसा आप फिगर में भी देख सकते हैं, द आर्मेचर करंट एंटर्स द नेगेटिव ब्रश, यहाँ देख सकते हैं ये करंट एंटर कर रहा है नेगेटिव ब्रश को, इट हैज़ फोर पैरेलल पाथ्स अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग फोर पैरेलल पाथ्स हैं, तो ये पैरेलल पाथ हम लोग देख करके बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जनरेटर में नंबर ऑफ पोल्स कितने रहे होंगे, तो वो चार होंगे। क्यों? क्योंकि चार पैरेलल पाथ में डिवाइड हो रहा है, तो नंबर ऑफ पोल भी चार ही होंगे। ओके, तो क्वेश्चन भी कभी कभी इसी टाइप का आता है, आपको कंडक्टर दे देगा, आपको पैरेलल पाथ दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे इसमें, या फिर पोल दे देगा, या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, जिसमें पी है नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ पोल्स, जेड है जैसा पिछले बार भी था नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें सबसे जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है, वेव वाइंडिंग उस करेंट को उस एक ही कंडक्टर के दो अलग अलग पार्ट में भेजता है, मतलब फिक्स है
दो पैरेलल पाथ होगा। इसमें वो जो पैरेलल पाथ है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोल्स पे, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस टाइप का डायग्राम आपको बुक में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला होगा, लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा। यहाँ आप लैब वाइंडिंग देख सकते हैं, यहाँ वेव वाइंडिंग देख सकते हैं। कंडक्टर्स उतने ही इस्तेमाल हुए हैं इसमें भी और इसमें भी, दो है इसमें भी दो है, लेकिन इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ब्रशेज हैं, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं वो दो हैं वेव वाइंडिंग में, आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर से स्पॉटेड है, ठीक है। और इसमें वो चीज़ यहाँ दो दिखा रहा है, लेकिन ये और भी इस्तेमाल करेगा जैसे जैसे इसके नंबर ऑफ कंडक्टर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ पोल्स बढ़ते जाएंगे तो ये वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में, क्या लैप वाइंडिंग और इस दोनों का नंबर ऑफ पैरेलल पाथ सेम हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ये डिपेंड करता है लैप वाइंडिंग के नंबर ऑफ पोल्स पे। अगर नंबर ऑफ पोल्स दो हैं तो इसके भी दो ही पैरेलल पाथ बनेंगे, और वे वाइंडिंग के तो वैसे भी दो पैरेलल पाथ बनते हैं, ओके। सो आगे देखते हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा देख लीजिए आपकी किस तरह से वो डिवीज़न होता है असल में। यहाँ पे आप आर्मेचर है, यहाँ कम्यूटेटर है, यहाँ आप देख सकते हैं ये है लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में किस तरह से अंदर से वो कैसे उसका वाइंडिंग किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और वेव वाइंडिंग, बहुत दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस तरह से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं इस डायग्राम में भी, एक नॉर्थ एक साउथ, मतलब ये एक पोल है और यहाँ एक दूसरा पोल है, तो ये कितने कंडक्टर को इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ एक और यहाँ पे ये दूसरा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है, नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड कर रहा है, ओके। सो बेसिक डिफरेंस यही है, लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करता है, और वेव वाइंडिंग का फिक्स है, वो दो पैरेलल पाथ ही बनाएगा, ओके। अब एक क्वेश्चन आप लोग को अराइज हो रहा होगा कि ठीक है दोनों ठीक है, लेकिन अंतर कहाँ आ रहा है, मतलब कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सा ये कौन सा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, आप लोग को कन्फ्यूज़न आ रहा होगा। तो कन्फ्यूज़न है वो बेसिक, सबसे पहला चीज़ होता है हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या है। जो भी जनरेटर जो भी मशीन्स का डिज़ाइन होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है कि हम लोग को क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर उस पैरामीटर को ध्यान में रखे बोला जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि लैप वाइंडिंग ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि लैप वाइंडिंग का एक खासियत है कि ये फॉर कॉन्स्टेंट वोल्टेज करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैप वाइंडिंग इज मच बेटर देन वेव वाइंडिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि वेव वाइंडिंग में क्या था, पैरेलल पाथ दो ही बन रहे थे, तो अगर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई तो बहुत ज़्यादा को ही वो सिर्फ दो भाग में डिवाइड कर पाएगा, ओके। लेकिन लैप वाइंडिंग में ऐसा नहीं है, लैप वाइंडिंग में पोल्स बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए चार पोल हैं तो पैरेलल पाथ भी चार हो जाएंगे, तो उतने ही करंट को चार अलग अलग पाथ मिलेगा आउटपुट तक जाने के लिए। इसलिए जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो लैप वाइंडिंग का बेटर है लैप वेव वाइंडिंग से, तो ये एक प्रेफरेंस मिलता है इसको, ठीक है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज पे, ओके। तो ये काफ़ी छोटा टॉपिक था, होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, और आप लोग हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे हैं। सो आप लोग हमें फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, आप लोग और कुछ नया कुछ अलग जानना चाहते हैं तो वो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। सो होप मिलते हैं।